बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा मोटर पाथवेज मेक टू सिस्टम से, यानी आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम। अब मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम कैसे ये टू सिस्टम बनाती है और कौन कौन से हैं, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है। अब मोटर पाथवे जो टू सिस्टम बनाती है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वॉलेंट्री एक्शन होगा। अब वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होता है जो बॉडी कि जो बॉडी के कंट्रोल के मुताबिक हो, ऐसा एक्शन जिसको हमारी बॉडी कंट्रोल कर लेगी वो वॉलेंट्री एक्शन होगा। अब स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स है वो क्या बॉडी के एक्शन के मुताबिक होते हैं, जिसको क्या हमारी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। अब वो ये किसके मुताबिक होगा, वॉलेंट्री एक्शंस के मुताबिक। इसको देख लेते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉन्शियस और उसके साथ साथ वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। अब कॉन्शियस वो कंट्रोल, यानी कॉन्शियस शऊर में लाते हुए किसी भी एक्शन को जो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है उसे क्या कहेंगे, कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन का मैंने पहले भी बता दिया है, ऐसा एक्शन होगा जिसको बॉडी हमारी कंट्रोल करेगी लेकिन किसके मुताबिक, कॉन्शियस के मुताबिक, यानी शऊर में लाते हुए। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। अब इसके अंदर तमाम मोटर न्यूरॉन्स होंगे। अब वो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, इंपल्सेस कंडक्ट करेंगे, किधर से, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक क्या है कि कंडक्शन हो रही है इंपल्सेस की, तो उसके मुताबिक ये स्केलेटल मसल जो है बॉडी के मुताबिक कंट्रोल हो जाएंगे, यानी इनकी मूवमेंट बॉडी के मुताबिक जिस तरह बॉडी चाहे कंट्रोल कर लेगी, उसको क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एक्शन। अब यही वॉलेंट्री एक्शन किस में होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वॉलेंट्री एक्शन होगा, वो एक्शन जो बॉडी के मुताबिक कंट्रोल किया जाएगा। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। अब यानी हमने कहा कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, नेक्स्ट वन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। याद रखे, इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन होंगे, ये इनवॉलेंट्री एक्शन जो बॉडी के मुताबिक कंट्रोल, जो बॉडी के कंट्रोल के मुताबिक नहीं होंगे, उनको इनवॉलेंट्री एक्शन कहेंगे। देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज। अब ये ऐसी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो कि क्या है कि कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर ना हो, यानी कॉन्शियस कंट्रोल के मुताबिक ना हो, यानी बॉडी के कंट्रोल के मुताबिक ना हो, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन हो। इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसा होगा जो हमारी बॉडी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इंपल्सेस टू कार्डियक मसल। अब मोटर न्यूरॉन है जो इंपल्सेस सेंड करते हैं किसको, कार्डियक मसल्स को, स्मूथ मसल्स को एंड ग्लैंड्स को। अब ये देखें कि कार्डियक मसल्स हैं, यानी दिल के मसल्स हैं। अब दिल आपको पता है कि ये क्या है, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, यानी वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है, खुद ब खुद दिल की धड़कन होती रहती है, इस धड़कन को हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल स्टोमिक के जो स्टोमिक के जो इनर साइड्स पे मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्टोमक, यूट्रस, ठीक है, इंटेस्टाइन, उनके जो जो मसल्स होंगे स्मूथ मसल, उसके साथ साथ ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स ने भी क्या करना है कि सेक्रेशन सेक्रेट करनी है, वो भी बॉडी के कंट्रोल के मुताबिक नहीं होगा। ये तमाम एग्जाम्पल किस में आएंगी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। अब इसमें, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये कंप्राइज किया गया है क्या, सिंपैथेटिक और उसके साथ साथ पैरासिंपैथेटिक सिस्टम में। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्ड बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। अब इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम बॉडी को डील करेगा किसके मुताबिक, इमरजेंसी सिचुएशन में। वो इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है, दिस इज ऑफन कॉल्ड द फाइट आर फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। कोई भी फाइट होगी, यानी कोई भी कोई अटैक हो सकता है, उसमें आप भी प्रिपेयर रहते हैं ताकि आप भी फाइट करें और उसके साथ साथ फ्लाइट, ठीक है, ये फ्लाइट, यानी आप किसी भी चीज़, कोई भी काम जल्दी से, यानी उठना चाहते हैं, कोई भी काम करना है, ये रिस्पॉन्सेज आएंगे किस में, के अंदर, यानी सिंपथेटिक सिस्टम में, ठीक है। सिंपथेटिक सिस्टम में आप प्रिपेयर रहते हैं फाइट और फ्लाइट के लिए। अब देखें, इस इमरजेंसी में क्या पॉसिबल होगा, किस तरह होगा, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शन। अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है कि ये सिस्टम क्या है, नेसेसरी एक्शन क्रिएट करता है। वो नेसेसरी एक्शन कैसे हैं, देखिए, फॉर एग्जांपल, इट डायलेट्स प्यूपल्स। हमारी प्यूपल्स क्या है, वो उनका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, डायलेट हो जाएगा।
यानी उसके साथ साथ अक्सर रेट हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या, अब आप इस सिचुएशन को याद रखें कि आपने कोई भी किसी भी फाइट के लिए तैयार होना, किसी लड़ने के लिए तैयार होना, तो उसमें क्या है, डायलेट कर जाएंगी प्यूपल और आपकी हार्ट बीट क्या है, बढ़ जाएगी। इस यानी सिंपथेटिक सिस्टम में अक्सर रेट हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस ब्रीथिंग और सांस तेजी से तेजी के साथ आ जाएगा, यानी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी एंड इनहिबिट्स डाइजेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है स्टॉमक, वो क्या हो जाएगी, उसकी डाइजेशन इनहिबिट्स हो जाएगी। ये तमाम एग्जाम्पल किसके अंदर आएगी, यानी सिंपथेटिक सिस्टम में। व्हेन स्ट्रेस एंड, अब जब स्ट्रेस एंड हो जाएगी, कोई भी स्ट्रेस परेशानी जब एंड हो जाती है, तो फिर क्या होता है, पैरासिंपथेटिक सिस्टम। अब पैरासिंपथेटिक सिस्टम इन तमाम चीजों को, इन तमाम एक्शन को नॉर्मल हालत के अंदर ले आता है। द पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शन। अब इस पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक्शन लेना है, इसकी वजह से नॉर्मल कर देना है तमाम फंक्शन को। इट काजेज प्यूपल्स टू कंट्रैक्ट। अब जो प्यूपल उसमें डायलेट हुई थी, पैरासिंपथेटिक में प्यूपल कंट्रैक्ट हो जाएंगी। प्रमोट्स डाइजेशन, डाइजेशन को प्रमोशन मिलेगी, यानी डाइजेशन उसमें इनहिबिट होगी थी, इसमें प्रमोट्स हो जाएगा एंड स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट। और उसके साथ साथ हार्ट बीट की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी एंड ब्रीथिंग रेट। अब हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट क्या है, स्लो हो जाएगी, वो नॉर्मल हालत में आ जाएगी। यानी हमने कहा कि सिंपथेटिक सिस्टम में फाइट के लिए हम स्ट्रेस के लिए तैयार हुए थे, उसमें कुछ चीजें हम हुई थी, एक्शन हुए थे। अब पैरासिंपथेटिक सिस्टम में हम नॉर्मल हालत के अंदर जा जाएंगे तमाम, और वो जो तमाम एक्शन हुए थे वो भी क्या है, नॉर्मल पोजिशन के अंदर आ जाएंगे। ये देखें हमने स्टार्ट किधर से किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने हमने कहा था क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हुई थी, ठीक है, अब उनको, और उसके साथ साथ स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अब उस क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के अंदर सेंसरी सेंसरी पाथवे है और मोटर पाथवे। हमने मोटर पाथवे को स्टार्ट किया है, सेंसरी पाथवे को हमने डिस्कस कर लिया था, फिर उसके साथ साथ मोटर पाथवे है, इसको हम स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब इस मोटर पाथवे के अंदर हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम देखा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ हम देखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कहा कि कंशियस है, यानी वॉलेंट्री एक्शन है, इसमें क्या आएंगे, स्केलेटल मसल। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री एक्शन आ जाएगा, इसके एग्जांपल में स्केलेटल मसल्स हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने बात किया की है कि इनवॉलेंट्री एक्शन आएगा, उसमें क्या, हमने एक एग्जाम्पल की बात की है कि टू स्मूथ मसल्स, हार्ट, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये तमाम किसमें आएंगे, ऑटोनोमिक, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन आएगा। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर हमने कहा कि सिंपथेटिक है, इसके टू हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने कहा कि ये किसके लिए होता है, फाइट और फाइट और फ्लाइट के लिए, इसके अंदर कुछ एक्शंस पॉसिबल होते हैं। अब पैरासिंपथेटिक सिस्टम के अंदर इस सिंपथेटिक को नॉर्मलाइज करना है, इसमें जो तमाम एक्शंस हुए थे जैसा कि हार्ट बीट तेज हुई थी, इन तमाम को ये क्या है, पैरासिंपथेटिक नॉर्मलाइज कर देगा, यानी नॉर्मल हालत के अंदर कर देगा। अब नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंस इंपल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, टू टाइप्स ऑफ एक्शंस रिजल्ट। अब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सेंड करता है इंपल्सेस किसको, मसल्स और ग्लैंड्स को, तो उसकी वजह से टू टाइप्स ऑफ एक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं। वो टू टाइप ऑफ एक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे वो हमने देखने हैं कि द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस कंट्रोल। अब वो जो हमने जो बात की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड करता है इम्पल्सेस को, वो इम्पल्सेस को मसल्स को भी सेंड करता है, क्या, ठीक है, इम्पल्स आता है, मैसेज आता है, और उसके साथ साथ ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से टू टाइप्स के एक्शंस पॉसिबल होते हैं। वो एक्शंस वॉलेंट्री है और उसके साथ साथ इनवॉलेंट्री है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉलेंट्री, द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस कंट्रोल। अब ब्रेन जो कॉन्शियस कंट्रोल को, जो शऊर एक्शन को कंट्रोल कर लेगा, उसको वॉलेंट्री एक्शन कहेंगे। हमारी, मैंने कहा था, हमारी बॉडी जिस एक्शंस को कंट्रोल करके लेगी उसको वॉलंटरी एक्शन कहेंगे। लेकिन याद रखें इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होगा, कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर ब्रेन हमारी बॉडी के जिस एक्शन को कंट्रोल कर लेगी उसको क्या कहेंगे, वॉलंटरी एक्शंस, व्हेन इंपल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर ऑफ ब्रेन। अब वो इंपल्सेस जो हायर सेंटर ऑफ ब्रेन से नहीं गुजरती, इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्स विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल।
फिर ये क्या है, हमारी बॉडी के कंट्रोल के मुताबिक यानी कंशियस कंट्रोल के मुताबिक नहीं रहती, ऐसी रिस्पॉन्सेज को क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, हार्ट बीट के ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है। अगर इम्पल्सेस हायर सेंटर ऑफ ब्रेन यानी ब्रेन से ना गुजरे तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स होता है, जो रिस्पॉन्स अंडर कंशियस कंट्रोल नहीं रहता है यानी हमारी बॉडी के कंट्रोल के मुताबिक नहीं रहता है। अब वो रिस्पॉन्सेज क्या कहलाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। Sometimes the involuntary responses produced by the central nervous system is very good. अब बाज़ औक़ात जो involuntary responses produced होते हैं central nervous system के, और वो क्या होंगे, very quick होंगे। Such responses is called reflex action. अब वही जो responses क्या कहलाएंगे, reflex action कहलाएंगे। याद रखें reflex action क्या है कि कुछ involuntary response produce होते हैं central nervous system से। अब ये जो involuntary responses होंगे very quick होंगे। अब इन responses को क्या कहेंगे हम, reflex action। अब the pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action, अब वो pathway जो followed होता है nerve impulses के लिए, ठीक है, किसके के, देखें the pathway followed by, अब वो pathway जो followed होता है nerve impulses के जरिए, ठीक है, उस pathway को क्या कहेंगे। अब और किस, अब हमने ये याद रखना है कि वो पाथवे जो नर्व इम्पल्सेस की प्रोड्यूसिंग के लिए होता है, लेकिन इसमें होगा क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। ये देख लेते हैं, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सेस, अब वो पाथवे जो फॉलो होता है नर्व इम्पल्सेस के लिए, लेकिन इसमें प्रोड्यूस क्या होना है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब उस पाथवे के मुताबिक रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो किसके लिए होता है, नर्व इम्पल्सेस के लिए, लेकिन इस नर्व इम्पल्सेस ने प्रोड्यूस क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन, उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज विथड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। अब सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है कि हम अपने हाथ को विथड्रॉ कर लेते हैं यानी बैक कर लेते हैं, हटा लेते हैं जब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या हम करते हैं, टच करते हैं। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करता है एज ए कोऑर्डिनेटर यानी मुआवन होता है, ठीक है। हीट स्टिमुलेट्स टेंपरेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन, ये तमाम क्या है, हीट स्टिमुलेट टेंपरेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन किसके अंदर आएंगे, कॉमन एग्जांपल के आएंगे किसकी, रिफ्लेक्स आर्क, यानी रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की। अब इसमें हीट स्टिमुलेट्स टेंपरेचर, अब हीट स्टिमुलेट टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन, अब ये क्या होता है कि अब आपको पता है कि स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, अब उन पेन रिसेप्टर्स ने क्या क्या सेंस करना है, स्टिमुलस किसका आएगा, हीट स्टिमुलेट्स का। ए नर्व इम्पल्सेस इज जनरेटेड विच इज कैरीड बाय द सेंसरी न्यूरॉन। अब कैसे पॉसिबल हुआ कि हमारी स्किन के अंदर हीट रिसेप्टर होते हैं, अगर हीट रिसेप्टर यानी हीट का स्टिमुलस मिला है स्किन को, तो वो स्टिमुलस किसके जरिए कैरिड होगा, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए टू द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कार्ड। अब ये मैसेज किसके पास पहुंच चुका है, इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कार्ड यानी स्किन से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए किसके पास आया है, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड कौन से, इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ये देखें बेटा कि ऐसा होता है कि हम किसी भी हॉट सब्जेक्ट को जब टच करते हैं तो ये हार्ड सब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसका स्टिमुलस लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन यानी नर्व इम्पल्सेस, ये सेंसरी न्यूरॉन इसको क्या किसको देती हैं, यानी स्पाइनल कार्ड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटर न्यूरॉन से यही पैगाम दोबारा मोटर न्यूरॉन के जरिए उस क्या है यानी इफेक्टर तक जाता है, वो हमारा हाथ क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। ये देखें कि हमने क्या कहा है कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को जब हमने टच किया है तो उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के लिए रिसेप्टर उस हॉट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, यानी नर्व इम्पल्स, ये इम्पल्स पहुंची है इस तरह किसके जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पोर्शन में पहुंची है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन से, अब इंटर न्यूरॉन से दोबारा क्या है, मैसेज जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कार्ड का दोबारा मैसेज जाएगा किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए।
जब मोटर न्यूरॉन के जरिए इधर मैसेज जाएगा तो ये हमारा हाथ विड्रॉ हो चुका है, ठीक है। रिस्पॉन्स जो हुआ है, इफेक्टर मसल्स क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्स जो करते हैं, तो वो क्या है, हाथ हमारा विड्रॉ हो चुका है, खुद ब खुद यानी पीछे हट चुका है उस हार्ट ऑब्जेक्ट से। ये तमाम एक्शन हुआ है, ये रिफ्लेक्स एक्शन था जो पॉसिबल हुआ है किसी भी पाथवे के जरिए। अब वो पाथवे के जरिए जैसे पॉसिबल हुआ उसे रिफ्लेक्स हार्ट कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह।